देखो हमने एंटीबायोटिक में सल्फोनामाइड पढ़े थे, यानी कि ये क्या है, एंटीबायोटिक में बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिसमें सबसे पहले क्या है, सल्फोनामाइड। तो इसका मैंने इंट्रोडक्शन बता रखा है, और फार्माकोडायनेमिक्स बता रखी है, और कौन कौन सी ड्रग्स आती है इसमें, जैसे इसमें कौन कौन सी, जैसे सल्फा डाइजीन है, सल्फा पायरिडीन है, सल्फा सैलाजीन है, तो और इसके हम यूजेस पढ़ रहे थे। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लें ताकि ये ठीक से समझ में आ जाए। ठीक, तो देखो सल्फोनामाइड में मैंने दो यूजेस तो बता दिए, यानी कि ग्राम पॉजिटिव कॉकस और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैसिलस, सॉरी ग्राम पॉजिटिव कॉकस और ग्राम नेगेटिव कॉकस। ठीक है, तो अब देखो ग्राम पॉजिटिव बैसिलस के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो ग्राम पॉजिटिव बैसिलस में किसको मार सकता है, जी एक्टिनोमाइकोसिस को मार सकता है। ठीक है, तो एक्टिनोमाइकोसिस से क्या क्या हो सकता है, जैसे सपोज मान लो एक्टिनोमाइकोसिस से एब्डोमिन में अटैक कर दिया इसने, एक्टिनोमाइकोसिस ने एब्डोमिन में, तो एब्डोमिन में क्या क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हारी, एंकी पैन होगा उसके एब्डोमिन में। ठीक है, फीवर, उसे बुखार कर सकता है पेशेंट के लिए, व्यक्ति को डायरिया, एंकी जैसे लूज मोशन, और क्या होगा, वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, तो मान लो अगर एक्टिनोमाइकोसिस से एब्डोमिन में ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप सल्फोनामाइड ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, जैसे सल्फा डाइजीन है, सल्फा पायरिडीन है, सल्फा सैलाजीन है, या मान लो एक्टिनोमाइकोसिस ने यहां पे वो ना करके लंग्स में तुम्हारे, लंग्स पे इफेक्ट, यानी कि लंग्स पे अटैक कर दिया तो क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। तो निमोनिया में क्या होता है, जैसे खांसी आती है, सीने में दर्द होता है पेशेंट को, फीवर आता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने की दर क्या होती है, थोड़ी छोटी हो जाती है। ठीक, तो अगर एक्टिनोमाइकोसिस से निमोनिया हो रखा है तब भी आप सल्फोनामाइड ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ग्राम नेगेटिव बैसिलस, हमने पॉजिटिव बैसिलस पढ़ लिया, अब ग्राम नेगेटिव बैसिलस में किस किस को, किस किस में यूज कर सकते हैं इसका, जैसे साल्मोनेला टाइफी, इससे क्या होता है सब जानते हैं, इनकी टाइफॉइड होता है। ठीक है, तो इसको मारने के लिए भी हम सल्फोनामाइड का, जैसे तुमने देखा होगा कोट्राइमेक्सोजोल है जिसे हम सेप्ट्राम बोलते हैं, तो पहले खूब यूज होती थी लेकिन अब हम इसका यूज नहीं करते, यानी कि सल्फोनामाइड का क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास इससे बेटर ड्रग्स हैं, यानी कि इसको मारने के लिए। ठीक है, या मान लो इकोलाई है, जैसे इकोलाई क्या करता है, तुम्हारे इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है, तो इससे क्या होता है, जैसे डायरिया होता है, और डायरिया क्या होगा, या तो वाटरी होगा या स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा होगा। ठीक है, और स्टोमक में पेन होगा, वॉमिटिंग्स यानी कि उल्टी आ रही होगी पेशेंट को, और लो फीवर, यानी कि जो फीवर है वो कम, यानी कि हल्का फीवर होगा। तो अगर मान लो ई कोलाई की वजह से ये हो रहा है, ठीक है, ये वाले सिम्टम आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, यानी कि सल्फोनामाइड ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, जैसे सल्फा डाइजीन है, सल्फा सैलाजीन है, सल्फा पायरिडीन है। ठीक है, या सीडोमोनास, तो सीडोमोनास से क्या होता है, सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होती है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक लेयर सी दिखाई देती है, या मान लो सेजेला, इससे अटैक हो गया इंटेस्टाइन में, तब क्या हम सल्फोनामाइड, यानी कि सल्फोनामाइड ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब हमने टिपिकल बैक्टीरिया तो पढ़ लिए, अब ए टिपिकल बैक्टीरिया देखो, ए टिपिकल बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिन पे सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो उसको हम एटिपिकल बैक्टीरिया बोलते हैं, जैसे क्लेमाइडिया ट्रेकोमोटिस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एस्टीडियन की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सपोज मान लो अगर इसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई, जैसे तो इसमें क्या होगा, जैसे पेनफिल यूरिनेशन, जैसे वो यूरिन पास करेगा यानी कि पेशाब करेगा तो उसे बहुत दर्द होगा पेशेंट के लिए। ठीक है, या वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, जो वेजाइना है उससे क्या होगा, यानी कि म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा होगा। ठीक है, डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द पेनिस, ऐसा नहीं है, इससे क्या होता है, ऐसा नहीं है फीमेल ही इफेक्टेड होगी, मेल भी इफेक्टेड होगा, तो पेनिस से भी डिस्चार्ज हो रहा होगा, और होगा पेनफुल वेजाइनल सेक्स, जब मान लो इंटरकोर्स, यानी कि जैसे सेक्स के दौरान क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा पेशेंट को, और टेस्टिकुलर पेन, जो तुम्हारे टेस्टिस हैं उसमें पेन होगा। ठीक है, तो मान लो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटस से एसटीडी हो गया, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो रखी है, तो आप सल्फोनामाइड ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मीन जैसे प्लाज्मोडियम की कोई सी भी जाति हो, फैल्सीफेरम, मलेरी, ओबेल, ठीक है, बाइवेक्स, तो उसमें भी हम सल्फोनामाइड ड्रग्स का यूज करते थे, अब नहीं करते लेकिन पहले करते थे। तो अगर मान लो सपोज कभी कभी क्या होता है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो हम पुरानी ड्रग्स का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सल्फोनामाइड सबसे पहले बनी थी। ठीक है, या टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ठीक है, तो तुमने पढ़ा होगा टॉर्च, यानी कि गायनी की क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसके लिए कराते हैं हम, तो ये क्या करता है, न्यूबॉर्न में इंफेक्शन करता है, तो इसको मारने के लिए भी हम सल्फोनामाइड ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है, या मान लो फंगस है, फंगस कहते हैं न्यूमोसिस्टर जीरोबेसी, इससे क्या होता है, देखो कुछ फंगस से न्यूमोनिया हो जाता है, ऐसा नहीं है फंगस तुम्हारी स्किन पे लगता है, न्यूमोनिया भी हो जाता है, तो अगर मान लो फंगल की वजह से न्यूमोनिया हो रखा है तो आप क्या करें, सल्फोनामाइड ड्रग्स का यूज करके से मार सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज होगा, देखो इसमें
मिटा दूं, फिर हम वन वन करके इनकी जो एक एक ड्रग्स है जैसे सल्फाडाइजीन है सल्फाथैलाजीन है उसका एक एक करके यूज पड़ेंगे, तो इसे मिटा दूं। फिर अब देखो सल्फोनामाइड ड्रग्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो सबसे पहले सिल्वर सल्फाडाइजीन, तो इसका किसमें यूज करते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जल गया और जला भी कितना है सेकंड से थर्ड डिग्री तक, तो अगर कोई व्यक्ति जलता है तो उस जलवी स्थान पर घाव हो जाते हैं, ठीक है, और इस घाव में इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम सिल्वर सल्फाडाइजीन का यूज कर सकते हैं। या मान लो नॉन हीलिंग अल्सर है, एक ऐसा अल्सर जैसे मान लो कोई घाव हो गया और बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, तो उस घाव में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम सिल्वर सल्फाडाइजीन का यूज कर सकते हैं। या घाव हो गया तो उसमें भी हम सिल्वर सल्फाडाइजीन का यूज करते हैं। तो इसका किस तरह से देते हैं, टिपिकली यूज करते हैं हम जैसे क्रीम फॉर्म में आता है, जैसे मान लो कहीं पे घाव हुआ और उस पे क्रीम को हमने लगा दिया, दिन में 2 से 3 टाइम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिल्वर सल्फाडाइजीन। अब देखो दूसरा सल्फोनामाइड, ठीक है, तो सल्फोनामाइड जो होता है बैक्टीरियो स्टेटिक होता है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। जैसे बैक्टीरिया आता है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड का प्रयोग करके फॉलिक एसिड का निर्माण करता है, ठीक है, ठीक है। तो सल्फोनामाइड अगर हमने ड्रग्स का यूज किया तो इनहिबिट करेगा किसको, डाइहाइड्रोस्टेरॉइड सिंथेसिस को, ठीक है। इस एंजाइम से क्या होता है, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड इसमें चेंज होता है, ठीक है, अगर मैंने इसको इनहिबिट कर दिया तो फॉलिक एसिड का निर्माण नहीं होगा, और बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन के लिए बहुत जरूरी है फॉलिक एसिड, तो अगर फॉलिक एसिड का निर्माण नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। तो अब देखो अब तीसरी ड्रग्स क्या है सल्फोनामाइड में, तीसरी ड्रग्स कौन सी है, सल्फाथैलाजीन है, ठीक है। तो सल्फाथैलाजीन कॉम्बिनेशन है दो ड्रग्स का, एक तो सल्फोनामाइड का और एक है 5-ASA यानी कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक। तो इसका हम यूज किसमें करेंगे, यानी कि सल्फाथैलाजीन का IBS में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो IBS में होता क्या है, जैसे मान लो व्यक्ति बताएगा कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, टॉयलेट जाता है लैट्रिन करके आता है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ, दोबारा से उसे लैट्रिन लगने लगती है, या फिर बताया गया डायरिया रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, जैसे डायरिया टॉयलेट गया लैट्रिन कराया और फिर उसे लगता है कि लैट्रिन फिर दोबारा से लगने लगी, ठीक है। या बोलेगा कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कभी डायरिया हो जाता है, ठीक। और क्या बताएगा, जैसे पेट फूला रहता है, यानी कि पेट फूला हुआ रहता है लेकिन जितना बताएगा इतना पेट फूला हुआ नहीं होगा उसका, म्यूकस आ रहा होगा टॉयलेट में और लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, यानी कि ये क्या IBS के सिम्टम है। तो इसमें भी हम सल्फाथैलाजीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, मोस्टली करते भी है। रूमेटिक आर्थराइटिस में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे तुम्हारे जॉइंट इसमें अफेक्टेड होते हैं, इस तरह से उंगलियां मुड़ जाती है, यानी कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, तो इसमें भी यूज कर सकते हैं। या अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें क्या होता है जैसे एनीमिया हो जाता है क्योंकि स्टूल में तुम्हारे ब्लड जा रहा होता है, ठीक है, तो इसमें भी हम किसका यूज कर सकते हैं, इसका सल्फाथैलाजीन का। तो अगर मान लो सल्फाथैलाजीन का आपने यूज किया तो क्या क्या इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे उस बताएगा पेशेंट जब यूज करता है तो उसका सिर हल्का हल्का लगता है, या सिर में दर्द रहता है पेशेंट की जब ड्रग्स का यूज करता है, स्किन में रैशेस हो सकते हैं पेशेंट को, यानी कि लाल लाल रंग के चकत्ते थे, वॉमिटिंग यानी कि जब ड्रग्स का यूज करता है तो जी मिचलाता है या उल्टी आती है, और किस फॉर्म में मिलेगी, ये टैबलेट फॉर्म में आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसे मैं मिटा दूं, फिर दूसरा पढ़ाते हैं।